नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली में अभी हिंसा में 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गोली चलाने वाला आरोपी असलम गिरफ्तार किया गया है। असलम ने ही गोली चलाई थी, ये दिल्ली पुलिस ने कहा। पुलिस ने असलम से पिस्टल भी बरामद की है। मुख्य आरोपी अंसार को भी पुलिस ने दबोचा है। आरोपी मुख्तार अली मोहम्मद अली गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी जाकिर अकरम और इम्तियाज को भी पकड़ा गया है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। जहांगीरपुरी में आरएएफ की 2 कंपनियां भी तैनात हैं। जहांगीरपुरी में स्थिति नियंत्रण में है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। और साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, असलम और अंसारी, इन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गोली चलाई थी और जिनके हाथ में बंदूक थी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने ये भी कहा है कि दोनों से पूछताछ अभी जारी है। 14 लोगों को क्योंकि गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में अब तक, और 14 में कौन कौन मुख्य है ये भी हमने आपको बताया। पिस्टल भी बरामद की गई है मुख्य आरोपी के पास से। पुलिस ने कहा कि असलम ने ही गोली चलाई थी और असलम को गिरफ्तार किया गया है, और जिस गोली से उसने हिंसा को और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश की थी उस बंदूक को भी बरामद किया गया है। तो दिल्ली हिंसा में अभी तक 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गोली चलाने वाला आरोपी असलम भी गिरफ्तार किया गया है। असलम ने ही गोली चलाई थी। पुलिस ने असलम से पिस्टल भी बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी अंसार और असलम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जाकिर अकरम और इम्तियाज को भी पकड़ा गया है। दिल्ली में हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए। माहौल है उसको एस्टैब्लिश करें, उसको बिगड़ने ना दें, लोगों को अफवाहों पे विश्वास न करने के लिए बताएं, और कोई भी शरारती तत्व, मिस्चीवियस एलिमेंट अगर सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करता है, तो आप हमसे टच में रहिए, उनको वहीं कंटेन करिए, उनको रोकिए। SHO के साथ, अपने ACP के साथ, अपने DCP के साथ संपर्क बनाए रहें, और कोई भी सिचुएशन होती है जिससे अगर हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की अगर आपको ज़रा सा भी आसार लगता है तो हमें बताएं। ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि र्यूमर्स को फैलने से रोकें और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। आपकी DCP होने के नाते मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूं कि इस जो भी इंसिडेंट हुआ है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, न्यूट्रल, फेयर इन्वेस्टिगेशन विद ट्रांसपेरेंसी मेरी तरफ से इंश्योर करी जाएगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपके साथ होगी। बस आपसे निवेदन है कि यहाँ पे हमारी मदद करें। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम सभी को रिस्ट्रेन करना चाहिए था, अपने आप को रोकना चाहिए था, पर अब इस सिचुएशन को संभालने की हम सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिल्ली में हिंसा कैसे भड़की आपको बताते हैं। हनुमान जयंती का मौका था, इसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। कई जगहों पर जहांगीरपुरी में 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, जिससे भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार का इस्तेमाल। सड़कों पर काफ़ी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। तो हनुमान जयंती से ये चीज़ें शुरू हुईं। अब उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी आसपास, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, कई गाड़ियों के लाइट्स तोड़ दिए गए हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। तो दिल्ली में हिंसा कैसे भड़की, किस दिन से भड़की आपको बता रहे हैं। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतरे, लेकिन इसमें 8 पुलिसकर्मी से लेकर 9 पुलिसकर्मी तक घायल हैं। हालात पर काबू में पाने के लिए लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन नहीं काबू में आए। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार भी थे। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि हनुमान जयंती से ही ये हिंसा भड़की और अब हर जगह अलर्ट पर है सब। तो यह हिंसा भड़की कैसे, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। दिल्ली हिंसा और हंगामे के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। यूपी के शहर पुलिस अलर्ट पर है। मंदिरों के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। रविवार को भी मंदिर के आसपास खड़े वाहनों, संदिग्ध लोगों के साथ दुकानदारों को पुलिस चेतावनी देने के साथ ही जांच भी कर रही है।
दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी है। इसी पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता नीलेश चौहान से खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सर मौजूद हैं। सर, यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, कैसे व्यवस्थाएं रहेंगी? दिल्ली की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनको और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे जो त्यौहार चल रहे थे, जैसे कि रामनवमी का त्यौहार है, रमज़ान का महीना है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, गुड फ्राइडे था, आज ईस्टर का भी त्यौहार है, महावीर जयंती थी और हनुमान जयंती थी, इतने कार्यक्रम बहुत ही कम अंतराल के बाद से हो रहे थे। इनमें जो भी जुलूस, झांकी इत्यादि निकलती है, इसके संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाए, इसके निर्देश पहले से थे। कल की घटना के बाद से पुनः लोगों को बताया गया है कि महत्वपूर्ण जगहों पर पिकेटिंग करें, जहां भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनके सभी आयोजकों के साथ बैठक करें और ये सुनिश्चित कराया जाए कि किसी तरह की कोई आपसी कटुता न बढ़ने पाए। फिल्म बाहुल्य इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएँ रहेंगी? नहीं, इसमें बाहुल्य और न बाहुल्य की बात नहीं है, ये बात है कि परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाए जाएं और सबके सब लोग मिलजुल के हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। कोई नई परंपरा न कायम हो, ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा और इस दौरान उपद्रवी तत्वों पर काफ़ी सतर्क दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति जो माहौल खराब करना चाहेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जाता है जब इस तरीके का माहौल होता है तो सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट होती हैं, तो उसके लिए क्या कोई निगरानी टीम बनाई? सोशल मीडिया पे हमारी निगरानी लगातार चल रही है और हमारी जो सोशल मीडिया की मुख्यालय की टीम है और जो जिलों की टीम है वो 2400 घंटे और 365 दिन कार्य करती है और इस तरह के जो पोस्ट इत्यादि लोग रूमर्स वगैरह फैलाना चाहते हैं उस पर हम लोग तुरंत कंट्रोल करते हैं, उसको अपने सरकारी हैंडल से उसका ये भी करते हैं कि उसकी सत्यता के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं? जैसा मैंने बताया, वहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी इन चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं, लोग लगातार भ्रमणशील हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से उसको चेक करा सकते हैं। सभी सीनियर ऑफिसर और हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और सभी लोगों से, सभी जितने भी आयोजक इत्यादि हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो आला अधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, ये पहले से ही अलर्ट है और कोई नई परंपरा ना शुरू हो उसके लिए भी पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। वीरेंद्र जलीस साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। दिल्ली हिंसा के बाद बुलंदशहर में भी अलर्ट है। डीएम एसएसपी ने बुलंदशहर के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। देखिए संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। हिंसा होने के बाद बुलंदशहर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रखी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डीआईजी संतोष कुमार और डीएम चंद्र प्रकाश के निर्देश के अनुसार बुलंदशहर पुलिस को चेकिंग का निर्देश दिया गया है ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखे जाए। और तमाम देख सकते हैं कि ये तस्वीर है जनपद बुलंदशहर की, हर पॉइंट पर चेकिंग अभियान कराया गया है ताकि हाई अलर्ट घोषित है, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से हाई अलर्ट घोषित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारीकी से चेकिंग की जा रही है, हर पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाई जाए। कल हनुमान जयंती के माध्यम से दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में पथराव हो गया था, हिंसा देखने को मिली। दिल्ली से सटे जनपद बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, तमाम जितने भी जनपद पड़ते हैं उन पर चेकिंग के लिए विशेष तरीके से अभियान के लिए लगाया गया है।
डीआईजी संतोष कुमार सिंह और डीएम चंद्र प्रकाश की तरफ से चेकिंग अभियान की तरह दिशा निर्देश दिए गएंगे ताकि लोगों को बारीकी से चेक की जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि कोई भी अधतरक लोग फैला न सकें या कोई घटना को अंजाम ना दे सकें कि भयभीत करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें। पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है जनपद बुलंदशहर के तमाम जितने भी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद से खास बात, दिल्ली की जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। दानिश आजाद ने कहा यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, योगी सरकार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, यूपी में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, सभी अधिकारी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दानिश जी, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, कैसे देखते हैं जो दिल्ली में जिस तरीके से कल माहौल बना? देखिए, दुखद घटना है और ऐसी घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिलों में तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग करके और ये सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई घटना हमारे प्रदेश में ना हो। और हम पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारा प्रशासन पूरा चाक चौबंद है और हमारा जितना सरकारी अमला है वो तमाम निगरानी बनाए हुए है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो सुकून से रह पाए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आजम खां के जो समर्थक हैं उनकी नाराज़गी समाजवादी पार्टी से दिखाई दे रही है, तो उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो किसके साथ रहेगा? अगर आप 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको अपने आप इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का चाहे नौजवान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, हमारी सरकार से जुड़ा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने आम जनमानस के हित के लिए काम किया है। हम तमाम वो लाभकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक बिना किसी भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को सीधा लाभ हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो वोट रूपी आशीर्वाद है वो हमें मिला है और लगातार जनता का विश्वास हमारे पार्टी के प्रति, हमारे सरकार के प्रति बढ़ रहा है। रमजान का महीना चल रहा है, क्या अपील करेंगे जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई और यूपी में अलर्ट है, तमाम पुलिसकर्मी सड़कों पर है, क्या समाज से अपील करते हैं? हमारा समाज आज खुद आगे आकर और एकता की मिसाल पेश कर रहा है और ऐसे ही हम मिलजुल के अपने उत्तर प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलजुल के सभी जो हमारे त्यौहार हैं उनका हम आनंद उठाएं, खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ हम तमाम त्यौहार मनाएं और रहें, यही तमाम लोगों से अपील है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर खुद मौजूद हैं। के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कानपुर में रामोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जन्मभूमि न्यास के सदस्य और बीजेपी के पूर्व सांसद राम विलास विदांती ने दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सूरज पांडे ने। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विश्व का सबसे बड़ा रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ रामविलास वेदांती जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब रामोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसको करवाने का? राम के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। समाज में जो नफरत पैदा करने का काम 75 वर्षों तक कांग्रेस ने किया था, दुर्भावना फैलाने का काम जो कांग्रेस ने किया था आपस में लड़ाने का, हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ा जाए, गांव के लोगों को जोड़ा जाए, समाज के लोगों को जोड़ा जाए, देश के लोगों को जोड़ा जाए और सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इसके लिए हम हर गांव से राम को बुला रहे हैं। हमने बचपन में पढ़ा था सरस्वती शिशु मंदिर में कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये जो बच्चा बच्चा राम की परिकल्पना राठी स्वयंसेवक संघ ने किया था, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद ने ये आयोजन किया है, राठी स्वयंसेवक संघ ने आयोजन किया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आयोजन कानपुर में हो रहा है
ऐसा आयोजन देश के सभी महानगरों में होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ने का ये काम भी सिंधु परिषद ने जो प्रारंभ किया है, हम तो मधुराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जो परिकल्पना किया है देश और समाज को जोड़ने के लिए, एक अद्भुत परिकल्पना है। जिस परिकल्पना को अशोक सिंघल जी ने, मोरोपंत पिंगने ने, जिस परिकल्पना को डॉक्टर हेडगे बार जी ने घोषणा किया था, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कानपुर के धरती पर ऐसा अद्भुत कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, भोपाल में हो, भारत के हर प्रांतों की राजधानी में हो, तो सारे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश जाएगा, जिससे समाज के लोग आपस में जुड़ें और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले लोगों को एक करारा जवाब दिया जाए। वेदांति जी, जिस तरीके से कल हनुमान जयंती थी, दिल्ली में हिंसक झड़प हुई, रामनवमी के दिन भी कई जगह देश में झड़प हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं बताऊँ, ये तो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, उसी के तहत हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है, ये दुष्प्रयास है। यद्यपि हम इस दुष्प्रयास को सफल नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं कि विद्वेष की जिस दुर्भावना को फैलाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था आज़ादी के बाद, जिस महात्मा गांधी ने घोषणा किया था आज़ादी के बाद हम देश में रामराज्य घोषित करेंगे, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की बात भी कांग्रेसियों ने नहीं, रामराज्य की घोषणा नहीं किया और लोगों को आपस में जोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा आपस में लोगों को तोड़ने का काम किया, कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, कैसे हिंदुओं में जातियों में विभाजन हो, कैसे जातियों को आपस में लड़ाया जाए, ये षड्यंत्र जो कांग्रेस ने किया था उसका उस दुर्भावना को समाप्त करने के लिए ही ये कानपुर का मंगलमय दिव्य आयोजन रामोत्सव मनाया जा रहा है। सर जी, हमारे साथ रामविलास वेदांती, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, और विश्व हिंदू परिषद जिस रामोत्सव का आयोजन कर रहा है उससे देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनेगा। सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया और लोगों की फरियाद सुनी। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं, उन लोगों से बातचीत की और फौरन अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि जो भी समस्या है इनकी दूर हो। तो टीम नाइन के साथ मीटिंग भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो गोरखपुर में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, समीक्षा बैठक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जो निर्माण कार्य हैं, जो अभी बन रहे हैं, योजनाएं जिन पर काम हो रहा है उसको लेकर बैठक की गई, समीक्षा की गई। तो वही कल होगी सुबह सपा की प्रदेश स्तरीय बैठक, ओम प्रकाश राजभर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में होगी सुबह सपा की बैठक, सुबह 11 बजे से शुरू होगी बैठक। 2022 के चुनाव की समीक्षा के साथ 2024 की तैयारियों में जुटेंगे सुबह सपा। तो प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुबह सपा की बैठक होगी, कुलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैठक होगी सुबह 11 बजे, ये बैठक शुरू होगी कल। 2022 के चुनावों को देखते हुए 2024 के लिए रणनीति तय की जाएगी। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव्य अयोध्या ले रही आकार। अयोध्या में बनेंगे 80 देशों के अतिथि गृह, देश के 36 राज्यों के अतिथि गृह भी अयोध्या में बनेंगे। सनातन संस्कृति के संप्रदायों के सांस्कृतिक केंद्र भी बनेंगे। हर अतिथि गृह सांस्कृतिक केंद्र के लिए
आधा से लेकर 2 एकड़ तक भूमि का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम योगी के निर्देश पर कामकाज तेज हो गया है। प्रथम चरण में 439 एकड़ भूमि ली जा चुकी है। नव अयोध्या में तय योजना के हिसाब से भवन बनेंगे, तो अलग अलग जगहों के भवन बनेंगे अयोध्या में। नया अयोध्या, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या बन रहा है। नोएडा से खबर, जहां प्राधिकरण कर्मचारी और महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सपा नेता सतपाल यादव और उनके बेटे पर आरोप लगे हैं। शराब के नशे में प्राधिकरण कर्मी के साथ मारपीट की गई। प्राधिकरण कर्मचारी का हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जिला अस्पताल में भर्ती है। थाना फेज 3 का ये मामला बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती प्राधिकरण कर्मचारी और महिला के साथ मारपीट हुई है। निशांत हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल, ये जो बीती रात का मामला बताया जा रहा है, जो कि फैक्ट्री खेता जागृति अपार्टमेंट्स के अंदर जो प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं उस पर हमले की बात कही जा रही है। साथ में एक महिला पर भी मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें जो फैक्ट्री खेतर अपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं और सपा नेता हैं यादव और उनके बेटा हिमांशु पर ये आरोप लगाया गया और हमले का भी आरोप है, जिसके बाद में युवक के चोट आई है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिला अस्पताल में, जिसमें साफ यही कहा गया है कि जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान लिया है। साफ ये कहा गया है कि मेरे साथ मारपीट की है, वैसे प्राधिकरण कर्मचारी बताया जा रहा है, और साथ में महिला के ऊपर भी मारपीट का आरोप, गंभीर आरोप लगा है। पूरे मामले को नोएडा पुलिस थाना फेज 3 ने संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निशांत। खबर बागपत से, जहां बकरे बेचने के विवाद में खूनी संघर्ष का मामला। चचेरे भाइयों में हुई गोलीबारी और पथराव। एक युवक को गोली लगी है, हालत गंभीर है। घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं, इलाज जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। कोतवाली बागपत के केतीपुरा मोहल्ले की ये पूरी घटना है। चचेरे भाइयों में गोलीबारी और पथराव हुई है। एक युवक को गोली लगी है, हालत गंभीर बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेरा भाई था, भाई मेरा भैया है। क्या नाम है उसका भाई का? मेहताब। 8 बजे एकदम से पहले तो सड़क पे लड़ाई हो गई, कुवाड़ लगा लिया एकदम, आगे कुंडी वो मार के कुवाड़ों में लात और एकदम गोली मार के, मतलब मैं यहाँ खड़ी, मेरा भैया वहाँ और मेरा पिताजी बस वहाँ, एकदम गोली मार दो गर्दन में लगी, मार के। 3 ही लोग थे? हाँ, 3 ही थे बस। आपसे छोटा है भाई? मेरे बड़ा से बहुत छोटा। कितने कितने उम्र का होगा? ऐसे होगा 25 साल का। किसी भी बात पे झगड़ा हुआ? मैं बकरा ले लिया था, वो धार में से पैसे नहीं मिले थे, उन्होंने कहते थे आम को दे दूंगा मैं। साइज था। वो मेरा भाई था, भैया मेरा भैया है। क्या नाम है उसका भाई का? मेहताब। 8 बजे एकदम से पहले तो सड़क पे लड़ाई हो गई, कुवाड़ लगा लिया एकदम, आगे कुंडी वो मार के कुवाड़ों में लात और एकदम गोली मार के, मतलब मैं यहाँ खड़ी, मेरा भैया वहाँ और मेरा पिताजी बस वहाँ, एकदम गोली मार दो गर्दन में लगी, मार के। 3 ही लोग थे? हाँ, 3 ही थे बस। आपसे छोटा है भाई? मेरे से बहुत छोटा। कितने कितने उम्र का होगा? ऐसे होगा 25 साल का। किसी भी बात पे झगड़ा हुआ? मैं बकरा ले लिया था, वो धार में से पैसे नहीं मिले थे, उन्होंने कहते थे आम को दे दूंगा मैं। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई? बता दूं, ये पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र केतीपुरा मोहल्ला का है। एक ही समुदाय के जो लोग हैं और एक ही परिवार के थे, जिसे 1500 रुपए को लेकर ये विवाद हुआ और ये आपस में गोली और मारपीट हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से चोट आए, जिनका बागपत जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है की एक बकरा था, बकरे की जो पेमेंट थी, पेमेंट को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था, इसी को लेकर ये पूरी वारदात हुई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।
कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा आरोपी फरार हो गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया था। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग की थी। कानपुर में डीसीपी वेस्ट BBGTS मूर्ति की स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस टीम ने गंगा बैराज पर सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास चेकिंग की। तभी बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं रुके बल्कि पुलिस को देख वो फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। बाइक पर सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि लूटा हुआ बैग जिसमें कुछ 50,000 कैश थे वो और एक तमंचा बरामद किया गया है बदमाश के पास से। अप्रैल जो 13 तारीख को 10:30 बजे हमारे नवाबगंज क्षेत्र के ललनपुर एरिया में एक शराब दुकान के सेल्समैन के साथ एक लूट की घटना 2,32,000 रुपए के लूट की घटना हुई थी। उसी के बारे में एक सटीक सूचना, मुखबिर की सटीक सूचना पर हमारे जो थाना क्षेत्र का फोर्स और SOG टीम ये जो सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास जब चेकिंग कर रहे थे, एक बाइक सवारी हमें देखते ही तुरंत भागने लग गए। तो जब उनको रोकने की कोशिश किया तो वो तुरंत फायरिंग करने लगा। उसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। उसी मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ है। ये जो घायल हुआ है उनका नाम है जावेद उर्फ समीर उर्फ कलुआ। इनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, इलाज चल रही है। कि इसमें और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।